वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज ये देखिए आपके सामने ये कॉलम बीम के अंदर स्टील डाला हुआ है। इसका क्या रीज़न है, क्यों डाले हैं, और बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब अपना घर बनवा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अपने साइट पे काम कर रहे हैं या फिर एज अ सुपरवाइज़र एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है और बहुत इसके बेनिफिट है। अगर आपको बांधकाम में क्रैक्स बचना है, बांधकाम गिरने से बचाना है, आपके घर का बांधकाम पूरा घर गिरने से बचाना है तो ये मुलियन कॉलम आपको डालना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं मुलियन कॉलम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और अपने घर बनाने के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो याद रखिए जब भी आप प्लेन बीम भर रहे हैं, देखिए जब भी आप अपना घर बनवाते हैं तो प्लेन बीम कॉलम आता है, ये कॉलम आ गया, कॉलम आने के बाद ये प्लेन बीम आता है। ओके, तो प्लेन बीम जब आप भर रहे हैं तो प्लिन बीम से पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लंबा लंबा वॉल है, बांधकाम है, जैसे ये बीम पे मेरे पास बांधकाम यहाँ से कंटिन्यू, ये बीम से यहाँ से कंटिन्यू बांधकाम है। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, अगर तो मेरा यहाँ से ये बीम कंटिन्यू जाएगा वहाँ तक का तो मेरा बांधकाम है। अगर मैं प्लान में दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये प्लान है मेरा, ये देखिए ये बांधकाम कितना लंबा है मेरा, ये वॉल ये देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा बांधकाम चालू होता है, पीछे तक पूरा जाता है। ये जो आपकी हैच लाइन है, ये हैच लाइन बांधकाम डिनोट करता है। याद रखिए ड्राइंग रीडिंग भी समझ लीजिए, जब भी ये हैच रहेगा तो आपको चेक कर लेना 150 mm का बांधकाम है कि 100 mm का है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लीजेंड्स दिया रहेगा, देखिए लीजेंड्स दिया हुआ है। ओके, देखिए ब्लॉक वर्क 230 mm, ब्लॉक वर्क 150 mm, तो ऐसा आर्किटेक्ट ड्राइंग में आपको दिया रहेगा। और ऐसा आपको कंटिन्यूस बांधकाम देखिए दिख रहा है, ये बांधकाम कंटिन्यू, ये बांधकाम कंटिन्यू। तो जब भी आपके पास कंटिन्यू बांधकाम आएगा आपके घर के पास, आपकी साइट पे, आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, आपका बंगला बनवा रहे हैं, आपका घर बनवा रहे हैं, तो लंबा बांधकाम अगर आपके घर का आउटर का जो बांधकाम होता है साइड साइड का पूरा एकदम साइड में जो बांधकाम होता है वो भी आप कभी भी करवाएंगे तो उसके पीछे आप मुलियन कॉलम डालिए। बीम के अंदर देखिए चार सलिया छोड़ देना है, उसके बाद इसको रिंग पकड़ के लेके जाए, रिंग डालते हुए ऊपर तक लेके जाना जहाँ आपका हाइट आएगा। बिल्डिंग का जैसे 4 मीटर 200 है तो पूरा 4 मीटर 200 जाने के बाद ऊपर का जो बीम रहेगा उसमें ख़त्म होगा। अब क्या रीज़न है, जब भी आप बांधकाम करेंगे यहाँ से तो ये कंटिन्यू बांधकाम जाएगा, ठीक है, वहाँ तक, तो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी। मतलब आप अगर आप कहीं भी अगर खड़े हैं, कहीं घर पे हैं, कहीं कहीं तो कहीं पे आप हाथ मार के देखिएगा दीवार के ऊपर तो आपका जो पूरा वाइब्रेशन होगा वॉल का यहाँ से लेके वहाँ तक का वाइब्रेशन जाएगा, क्यों पूरी वॉल अटेगी। मतलब जो आपका एयर प्रेशर, विंड प्रेशर आएगा आपका, या हवा कुछ भी प्रेशर आता है, सॉइल प्रेशर आता है, विंड प्रेशर आता है, नीचे का वाटर प्रेशर आता है, तो आपका वॉल तो पूरा गिरने के चांसेस रहते हैं, पूरा वॉल गिर जाएगा आपका। ओके, तो वॉल नहीं गिरे करके हम लोग ये मुलियन कॉलम डाले हुए हैं। देखिए चार स्टील डाला है, आप अपने घर पे डाल रहे तो 4-10 का स्टील डाल के इसको आप रिंग 8 का रिंग 150 की स्पेसिंग पे, 6 इंच की स्पेसिंग पे डालते डालते ऊपर पूरा फर्स्ट फ्लोर का जो बीम रहेगा वहाँ तक पूरा लेके जाना। देखिए यहाँ पे एक डाला हमने, वहाँ पे एक डाला है, वहाँ पे एक डाला है, मतलब एवरी 4 मीटर के डिस्टेंस पे, अगर मैं फुट में बता दूँ चाहते हैं 12 फुट पे आपको ये मुलियन कॉलम डालना है। अगर आपका 30 फीट का बांधकाम है, 30 फीट पीछे का बैक साइड का वॉल है आपका, मान लीजिए घर का, तो 30 फीट का बारह फीट पर आपको ये मुलियन कॉलम डालना है ताकि बांधकाम कंटिन्यू ना रहे, बांधकाम को ग्रिप मिले और बांधकाम गिरे नहीं, आपका हवे में नहीं रहे आपका बांधकाम। अदरवाइज़ पूरा एक साथ हवे में रहेगा, लोड मारेगा, हवा मारेगा तो वो पूरा बांधकाम गिरने के चांसेस रहेंगे। तो बांधकाम पकड़ के रखने के लिए ये मुलियन कॉलम आपको डालना ही है। स्टील में भी मैंने बता दिया है कि 4-10 का स्टील आपको डालना है और 8 mm का बार जो रहेगा उससे आपको रिंग बनाना है और 6-6 इंच की स्पेसिंग भी आपको पूरा फर्स्ट फ्लोर की बीम तक का उसमें लेके जाना है, वहाँ पर ख़त्म करना है। उसके ऊपर भी ऐसे ही सीन है, उसके ऊपर भी ऐसे ही ड्राॅइंग है अगर प्लान में, तो सेम आपको वैसे ही मुलियन कॉलम बीम में डाल के रख देना, यही या तो फिर यही कंटिन्यू आप लेके जा सकते हैं और बीम में टर्मिनेट करना है आपको, ये याद रखिए। स्टील भी बता दिया, क्यों डालना है वो भी बता दिया, सब कुछ सारे रीज़न बता दिए कि मुलियन कॉलम क्या होता है, क्यों डाला जाता है, क्या बेनिफिट है इससे, और कितने स्पेसिंग पे डालना है, क्या स्टील है, सब कुछ डालना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज़।